माई हैश टैग इज स्पीक अप फॉर स्टूडेंट। भारत छात्रों के लिए बोले और ये बहुत आवश्यक हो गया है। छात्र हमारे भविष्य, और यदि हम आज उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर हम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाए। हमें छात्रों के लिए आवाज उठानी उठानी। इस कोरोना महामारी ने छात्रों के मनोबल पर सबसे ज्यादा बुरा असर डाला है, और अब उतना ही बुरा असर छात्रों के मनोबल पर केंद्र सरकार की नीतियों से पड़ रहा है। आप उनसे ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, कहाँ हैं, कहाँ कहाँ आपके पास इंटरनेट सुविधाएं हैं? मैं अपने ही इलाके में देख रहा हूं, बच्चे दूर जंगलों में कहीं कनेक्टिविटी मिल रही है तो वहां जाकर के धूप में पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, कितने बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप है, कितने बच्चे ऐसे वेल ऑफ हैं जो इस प्रकार के ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, उनको आप क्या रास्ता दिखा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 20 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी आपने पैकेज दिया, घोषित किया, क्या है उस पैकेज में छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए क्या है, जरा बताइए कुछ आगे आकर के। आज समय की जरूरत है कि छात्रों को इस मेंटल स्ट्रेस से बचाया जाए, और उसके लिए सरकार जो है छात्रों को पास घोषित करे और आगे के लिए उनकी पढ़ाई विधिवत हो सके उसकी अभी से पूरी व्यवस्था करने का काम करे। तो मैं अपने सहयोगी साथियों सबसे कहता हूं, प्लीज स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स।